हेलो फ्रेंड, चलिए आज आप फिर से मेरे साथ 5 मिनट में एक ब्यूटीफुल कुशन बनाइए। इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको और 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको और फटाफट बन के ये तैयार हो जाएगा। पहले आप देखिए कुशन आपको कैसा लग रहा है ना। तो ये एक टॉप होगा आपके पास, अगर ऐसा टॉप पड़ा है तो आप उठाइए उसको और फटाफट उल्टा करिए और ऊपर वाला पोर्शन जहाँ से उसकी आस्तीन है वहां से आप किसी भी मजबूत धागे से, ऊन से, डोरी से आप बांध के उसको पलट के सीधा कर दीजिएगा। और टॉप में नीचे सिला हुआ रहता है तो वहाँ एक जगह हल्का सा कट लगा देंगे। और उसके बाद हमारे पास अगर कॉटन है तो कॉटन डालेंगे, सिंथेटिक कॉटन है तो सिंथेटिक कॉटन डालेंगे, नहीं तो घर में पड़े हुए जो जगह घेर के पुराने टी शर्ट पड़े हुए हैं, पुरानी साड़ी पड़ी हुई है, वो इसके अंदर हम भर के बना लेंगे। हाँ, जीन्स मत डालिएगा क्योंकि जीन्स से ये थोड़ा हार्ड हो जाता है। और भी जो भी पुराने कपड़े हैं सारे इसके अंदर भर दीजिए आप, पुराने कपड़े का यूज़ हो जाएगा और आपका इतना सुंदर कुशन बन के तैयार होगा। अब देखिए नीचे वाले पोर्शन में जहाँ से मुड़ा रहता हल्का सा कट किया और एक डोरी जो भी आपके पास मौजूद चीज़ है इसके अंदर डाल के खींच के इसको हम गठान लगा के बांध देंगे और हमारा कुशन बन के तैयार हो जाएगा। ये मेरे पास ये टॉप था, आपके पास टी शर्ट हो जो भी हो वैसा बना सकते हो। ये देखिएगा, ये कुछ भी करना पड़ा आपको, कैंची लगानी पड़ी, मशीन चलाना पड़ा, सिलना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। माने जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी अपने ऐसा कुशन बना के आप तैयार कर लेगा। और ये देखिए कितना सुंदर कुशन बना है। अगर आप इसके अंदर सिंथेटिक कॉटन भरेंगे तो ये डायरेक्ट धुल भी जाएगा। तो इसके बीच में मैं ऊन का एक पॉम्पम लगाने वाली हूँ। तो देखिए कैसे करते हैं, मैंने 3 उंगल पे ये खूब सारे ऊन को लपेट लिया है, 4 पे भी लपेट सकते हैं अगर आप बड़ा बनाना चाहें, और कम से कम 3 में लपेटा। फिर उसके बाद बीच में सेंटर में बांध के टाइट से इसमें गठान लगा दी है। गठान लगाने के बाद कैंची से हम इसको चारों तरफ फैला के कैंची से काट देंगे। और जब आप काटेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमको कैसे इसको एडजस्ट करके कैसे कैसे काट के इसको राउंड शेप में बनाना है। आप देखते रहिएगा। ऐसा कुशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो ये मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये देखिए एक और आइडिया आपके साथ मैंने ये शेयर किया है, और ये आइडिया आपको कैसा लग रहा है आप जरूर बताइएगा। ये पोम-पोम मैंने सिर्फ बीच में लगाया है, अगर आप इसको और सुंदर बनाना चाहते हैं तो ऐसे 5-6 पोम-पोम बना लीजिए ऊन के और इसके राउंड शेप के चारों तरफ उसको सुई से टांग दीजिएगा तो वो और भी सुंदर दिखाई देगा। अब आप देखिए बनने के बाद कोई भी जज नहीं कर सकता कि आपने पुराने टॉप से आपने ये कुशन बनाया हुआ है। तो मैंने इसके अंदर जितने पुराने कपड़े थे सारे अंदर डाल दिए हैं। इसके ऊपर आप सेम तरीके से अगर आप उसको धुलना ना चाहो तो सेम पोम पोम लगाने से पहले इसके ऊपर दूसरा कवर चढ़ा दीजिए, सेम ऐसे ही बनाइए और चढ़ाइए और बांध दीजिएगा और कुछ भी नहीं करना है। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और फटाफट चलिए आप भी बनाइए कुशन। थैंक यू।